हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसी फंडामेंटल। तो आज हम एसी फंडामेंटल्स में मैंने आपको क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, करंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सभी के बारे में डेफिनेशन के बारे में आपको क्लियर कर दिया था। वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और जो डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स बेसिकली उनको 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल भी आता ही आता है, और जो प्लस टू कर रहे हैं उनको ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में आ सकता है। तो मैं मैक्सिमम इसके कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल की मिल सके, मेरी वीडियो की मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन। कहता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी ये इक्वेशन है। हमें क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है, मींस आई हमें गिवन है क्या है, 10 sin 314 t, ये हमें गिवन है, ठीक है। और उसने बोला है कि आपने मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी आपको बताया है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, टाइम पीरियड कितना होगा उसका पता करना है कितना टाइम लेगा, और वैल्यू पता करनी है 0.01 सेकंड पे कितनी होगी, मतलब इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने पता करनी है। तो मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल से के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक वेव फॉर्म है, ये एक साइन मान लीजिए ये वाली करंट की वेव फॉर्म है, ठीक है। तो उसका उसने बोला है कि जो ये वाला जो करंट है इसका बेसिकली स्टैंडर्ड जो होता है, वी नो डैट मैंने आपको बताया है वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि हमें पता है कि इसको लिखने का ढंग क्या है। आई इज इक्वल टू आई एम, तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, मैं लिखता था साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी लिखा होगा मैं कहीं ना कहीं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो बेसिकली जो थीटा होता है वो ओमेगा टी के इक्वल ही होता है। तो थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के, ये भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली अभी आपने ये याद रख लेना है, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो ये कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब टाइम में दिया, टी में दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम टी में ही लिखेंगे, तो इतना तो हमें पता है। अब हमने उसने उसने आई एम क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वाला उसने दे दिया, ये वाला आई एम उसने मैक्सिमम वैल्यू जो है आई एम, ये वाला आई एम 10 जो है वो हमें दे दिया है 10 एम्पियर। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे इससे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये आई एम हमारा बन जाएगा कंपेयर करने से, आई एम तो हमारा बन जाएगा 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर क्या था हमारा, आई एम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम मैक्सिमम करंट कहते थे। तो फर्स्ट उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पता करना है, वो हमने सीधा ही पता कर लिया, 10 एम्पेयर हमारा करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पेयर। तो ये मैक्सिमम यहाँ पर एक सम तो हमारा एक पॉइंट सॉल्व हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना आ रहा है, 10 एम्पेयर। तो ये आपने लिख देना है वहां पे, तो आई एम इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। ये हमारा एक तो सॉल्यूशन सॉल्व हमने कर लिया है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमने क्या उसने बोला है, उसने सेकंड में बोला है कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है। सर ये कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फिर से, तो टी से ये देखिए, ये वाला साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला टी से टी कट जाएगा, तो ये चीजें इसके इक्वल आ जाएगी। ओमेगा किसके, टी के साथ टी कट जाएगा, साइन के साथ साइन कट जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा साइन 314 t इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन ओमेगा टी है, ठीक है, ये वाला वो किसके इक्वल है, साइन 314 t के इक्वल है। अब होगा क्या, साइन के साइन कट जाएगा,
टी के साथ टी कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू है, सामने सामने कट जाते हैं। और बचा क्या हमारा ओमेगा। ओमेगा सर ये क्या होता है, ये डब्ल्यू नहीं लिखना आपने, ये बेसिकली ओमेगा इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे होता है कुछ, ओमेगा इज इक्वल टू कितना बन गया 314। अब सर ये क्या है, तो ये भी पूछ सकते थे पेपर में पर उन्होंने पूछा नहीं है। ओमेगा बेसिकली होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी मीन जो करंट है वो किस एंगल पे जा रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल डिवाइड बाय टाइम, एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से ही वो निकल जाता है एंगल डिवाइड बाय टाइम्स, तो यहां से ही हमारा ओमेगा थीटा भी निकल जाता है ओमेगा टी। तो यही मैंने बोला था ना कि है होता है। तो ये रीड ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा अपॉन एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो एंगल क्या है, एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो एंगल हम किस में लेते हैं, रेडियन में, ठीक है, और टाइम किस में लेते हैं, सेकेंड में। तो ये रेडियन पर सेकेंड जो है इसकी जो है यूनिट बन जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 314 रेडियन सेकेंड की पावर -1। तो ये हमारा अगर एंगुलर उसने पूछा होता तो ये कर लेते, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, अभी बताता हूं। अभी मैंने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो यही बोला, एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो एंगल क्या है हमारा, भी एंगल, एंगल क्या है हमारा, 2 पाई। पूरा एंगल कितना होता है, 360। ये वाला पूरा एंगल कितना है, 360। यहां से 0, यहां से पाई, यहां से 2 पाई, इसको हम बोलते हैं 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री। मीन्स पूरा एंगल जी है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहां पर 2 पाई आ जाएगा और टाइम का टी आ जाएगा। टाइम का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं और यहां से ओमेगा। अब देखो मैंने बताया था आपको कि 1/T क्या होता है, 1/T हमारा एफ होता है। तो ओमेगा का फॉर्मूला सीधा ही होता है 2 पाई एफ। क्या होता है, ये भी कह सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि 1/T हमारा एफ के इक्वल होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं और जल्दी से हम इसकी वैल्यू बिल्ड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओमेगा कितना था, 314, इसका वैल्यू क्या थी, 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू वैसे 22/7 होती है, ठीक है, पर यहां पर ये 314 है, इसका मतलब पाई की वैल्यू ये भी होती है 314। तो हम यहाँ पे 314 ये लिख देंगे, एफ हमें पता नहीं है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इजी है बिल्कुल। अब हमने निकालना है एफ, एफ निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट ये वाला है एफ के साथ, ये 2 बाय हैं बंदे, 2 × 3.14, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हमारा ये वाला रहेगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखने में ये कट तो रहे हैं देखो ध्यान से, पर ये पॉइंट कैसे करें, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट का 100 आता है, इस पॉइंट का क्या आएगा, 100। तो वो 100 हम लगा सकते हैं, इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो 100 वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे था, ऐसे 3.14 था ना, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 हमारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 314 × 2 × ये ऐसे रहेगा, और जो इसका 100 आना था वो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये इसके साथ ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा 5 और यहां से 0। तो एफ हमारा कितना बन जाएगा, 50 हर्ट्स। तो यहां से हमारी जो है फ्रीक्वेंसी आ गई है। ऐसे हमने निकालना क्या था, ऐसे ही हमने निकालना है, हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आपको पता है मैंने बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है टी वो होता है 1/f। तो टाइम पीरियड हमारा बन जाएगा 1/50, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ऐसे करते हैं ना डिवाइड, 1/50
को 50 से डिवाइड करते हैं, एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एक और जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगी, फिर टू से कर देंगे तो इतना आ जाएगा, एक आगे जीरो लगा देंगे तो ये 0.02, आगे हम कितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं पर एक ही लगाएंगे यहाँ पे, 0.02 सेकेंड हमारा जो है वो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो हमने देखी ये दो तीन तीन क्वेश्चन हम तीन जो है हमने सोल्यूशन कर लिए हैं, काफी इजी थे, जस्ट फॉर्मूले हमने यूज यहाँ पे करने थे। मैंने आपको थोड़ा सा डीपली बता दिया कि हमने ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करके आपने आंसर निकाल लेने हैं। तो आगे हमारा है कि आगे इम्पोर्टेंट है, आगे उसने पूछ लिया कि ये हमारा टाइम पीरियड भी निकाल लिया, उसने बोला डी क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 0.01 T सेकेंड में कितनी होगी, अब सर कैसे करेंगे। तो उसने थर्ड में पूछ लिया, फोर्थ में पूछ लिया वैल्यू ऑफ करंट कब एट टी इज इक्वल टू 0.02, बोला कि 1 बोला, दे देखते हैं 0.01, 0.01 सेकेंड पे वो कहता है कितनी वैल्यू होगी। तो हमें पता था आई इज इक्वल टू क्या था, आई हमारा था आई 10 sin 314, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने निकालना है टाइम, तो सबसे पहले हमें टाइम की वैल्यू करंट निकालना है, तो हमें टाइम की वैल्यू ये वाली फिल कर देंगे, ठीक है। उसने बोला वैल्यू ऑफ करंट पता करनी है आपने, कहाँ पे पता करनी है, जब 0.01 सेकेंड होगा तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 sin 314। टी कितना है हमारा, टी हमारा है 0.01, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 sin, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. अगर दो छोड़ के पॉइंट लगना है तो ये बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.14, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पर लिखा भी आ गया 3.14 साथ में रेडियन, तो इसकी वैल्यू क्या है बेसिकली 0.00 ये वाली वैल्यू है। मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि आ जाएगा 0. ये वाला आंसर 0.01 0.0159, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0. ठीक है 0159 एम्पेयर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। ये बेसिकली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, जस्ट आपने फॉर्मूला जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। इसमें जस्ट फर्स्ट तो इजी था, सेकंड वाला आपने ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना है 2πf, और थर्ड वाला इसमें आपने याद रखना है, इसमें तीन ही फॉर्मूले, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको फर्स्ट आपको आई का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू Im sin ωt होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है काफी बार। और सेकंड आपको फिर याद रखना पड़ेगा जो ओमेगा होता है वो हमारा 2πf होता है, ठीक है। थर्ड हमारा होता है कि अगर हमने t निकालना हो तो 1/f हमारा होता है, और लास्ट में तो आपको पता ही था, जस्ट वैल्यू फिल करके आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप निकाल लोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि मैं और आपके लिए स्मार्ट वीडियो बना सकूं। और इसकी जो PDF है आपको jksmartclasses.com और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।